अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे अकेले न जाना। मज़ेदार अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए क्रिएटिव खिचड़ी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियोस आपको बरवक्त मिलती रहें इसके लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। 24 दिसंबर 1950 को कराची में पैदा होने वाले मोइन अख्तर ने कैरियर का आगाज 60 की दहाई के वस्त में किया और इंतजार फरमाइए समेत 70 ईस्वी के अशरे के मारूफ ड्रामों में मरकजी किरदार अदा करने के साथ साथ कई अहम स्टेज ड्रामों में भी अपने फन का जादू जगाया। आंखें बहुत खूबसूरत हैं। शुक्रिया। मोइन अख्तर फन की दुनिया के बेताज बादशाह थे। बहसियत अदाकार, गुलूकार, सदाकार, मुसन्निफ, मेजबान और हिदायतकार मोइन अख्तर ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पुराने वो साथी जुदा हो गए सब, बाकी तो यादें रही। मोइन अख्तर के यादगार ड्रामों और स्टेज शोज में रोजी, सचमुच, रफ्ता रफ्ता, स्टूडियो पौने तीन, बंदर रोड से किमाड़ी और शो टाइम समेत कई और शामिल हैं। मोइन अख्तर वो पहले पाकिस्तानी फनकार हैं जिनके मुजस्मे को लंदन के मशहूर मोमी अजायब घर में नस्ब करने की मंजूरी दी गई। मोइन अख्तर को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह पर कई अवार्ड से भी नवाजा गया। अपनी मेहनत, लगन और उम्दा अदाकारी की वजह से पाकिस्तान के लिए फखर का बाइस बनने वाले मोइन अख्तर 22 अप्रैल 2011 को कराची में दिल का दौरा पड़ने के बाइस इंतकाल कर गए, लेकिन अपने मद्दाहों के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे।